नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में बरसात से हादसों में 25 से ज्यादा की मौत। सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर पीएम मोदी को दी जानकारी। रेस्क्यू में जुटे 3 हेलीकॉप्टर। अधिकारियों को दिए पीड़ितों की मदद के आदेश। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों को किया गया अलर्ट। एसडीओ ने प्रशासन को दिए तैनात रहने के निर्देश। पिथौरागढ़ के धारचूला में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। दारमा वैली में लगातार बर्फबारी का दौर जारी। जिला प्रशासन ने बीआरओ आईटीबीपी एसएसबी को रखा अलर्ट मोड पर। देहरादून में शहीद सम्मान को लेकर बीजेपी की शहीद सम्मान यात्रा रथ रवाना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दिखाई हरी झंडी। शहीदों के घर जाकर किया जाएगा परिवारों का सम्मान। उत्तराखंड चुनाव का काउंटडाउन शुरू। विधायक पद से यशपाल और संजीव आर्य का इस्तीफा मंजूर। भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हुए थे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित राज्य आपदा कंट्रोल रूम जाकर प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान से प्रभावितों को मानकों के अनुसार जल्द अनुमेय सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अतिवृष्टि से किसानों के हुए नुकसान का आकलन कर जल्द रिपोर्ट भेजे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली एवं रुद्रप्रयाग को फोन कर निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों पर फंसे यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में सेना के 3 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी किया। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस स्थिति में सभी को धैर्य बना के रखना है, सारे लोगों को संयम बरतना है और सरकार हर स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से यहाँ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने हर तरीके से कहा है और हवाई जो हमारी वायुसेना है वो भी अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रही है और जो लोग जहाँ भी फंसे हैं हम उनको सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रास्तों में जो हमारे पर्यटक आए हुए हैं उनके लिए जहाँ रास्ते बंद हैं उनको भी हम निकाल रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि फिलहाल अभी यात्रा न करें। किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, उसके अभी हम आकलन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस आपदा की घड़ी में सभी लोग थोड़ा संयम बरतेंगे तो निश्चित रूप से मौसम विभाग ने कहा है कि आज देर रात्रि तक मौसम ठीक हो जाएगा। खबर नैनीताल से, जहां लगातार मूसलाधार बरसात ने न सिर्फ आम जनजीवन अस्त व्यस्त किया है बल्कि जानमाल का नुकसान भी किया है। जिले के धारी तहसील अंतर्गत डिग्री कॉलेज मुक्तेश्वर के पास दीवार गिरने और मलबा आने से 6 मजदूर दब गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घटना में 5 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं और एक घायल को सकुशल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं नैनीताल और रुद्रप्रयाग इलाकों का भी सीएम धामी ने जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। रुद्रप्रयाग और नैनीताल पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आपदा से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की जाए। इस दौरान उनके साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत और डीजीपी अशोक कुमार मौजूद रहे। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान और संचालित बचाव और राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली।
प्रधानमंत्री ने प्रदेश को हर आवश्यक सहयोग दिए जाने के प्रति आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ है, शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 25 पर पहुंच गया है। आपदा में काफ़ी नुकसान हो गया है और मैं स्वयं सभी जगह दौरा कर रहा हूँ। स्वयं जहाँ जहाँ भी आपदा आई है वहाँ पर उसका स्वयं जो है आकलन करने के लिए, स्वयं लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। उसका ठीक प्रकार से लोगों की सहायता हो, ठीक प्रकार से लोगों को इस समय जो है जो ज़रूरत है उनकी होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और हम लोग सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं। यात्री लोग भी हमारे कुछ फंसे हुए हैं, कुछ हैं उनको भी निकालने के लिए, सारे रास्ते खोलने के लिए, और हमारे किसान भाइयों का भी बड़ा नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन कर रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में भी गंगा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण बाढ़ के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं SDO का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से गंगा नदी अपने निशान से 4 पॉइंट ऊपर बह रही है, जिसके लिए निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है, जो कि 4-5 घंटों में सामान्य वहां की स्थिति बन जाएगी। जलस्तर इस समय 294.35 है, 294 हमारा थोड़ा डेंजर लेवल होता है, उससे ऊपर चल रहा है, और डिस्चार्ज इसमें 358,000 करीब है। अभी कुछ है क्या वजह रही कि पानी का बचाव है? ऊपर जो वो हुई है ना, क्या नाम है, बरसात जो ज़्यादा हुई है ऊपर, तो वो फिर डैम में आया, डैम वालों ने रिलीज कर दिया टिहरी ने और श्रीनगर से, तो वो इफेक्ट आया अभी। पिथौरागढ़ के धारचूला में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दारमा वैली में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लिपुलेख मार्ग 2 जगह मलघाट और गर्भाधार में बंद हो गया है, साथ ही कुटी गुंजी रुकगोक बर्फबारी से अस्त व्यस्त हो गया है। इसके अलावा फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने BRO ITBP SSB को अलर्ट मोड पर रखा है। डिजास्टर को लेकर यह जो रेड अलर्ट जारी हुआ है भारी बारिश का, उसके संबंध में हमारी जो तैयारियां हैं उनको हम लोगों ने कल रात ही अपने कंट्रोल रूम SDM के कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया था, और फर्दर फिर आज जो इंस्ट्रक्शंस मिले उसके क्रम में लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में मीटिंग की गई है। SDRF और ITBP SSB आर्मी से भी कोऑर्डिनेट करते हुए उन्हें अलर्ट कर दिया गया, उनकी रेस्क्यू टीम्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया। इसके अलावा वाटर लेवल को मॉनिटर करने के लिए CWC और इरीगेशन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। बर्फबारी होते हुए रात को 1 बजे से बर्फबारी शुरू हो गई है और बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 2 दिन बर्फबारी हो सकती है। और तो वहीं किच्छा में लगातार 2 दिन हुई बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नगर की मुख्य सड़कों पर जलभराव होने से यातायात प्रभावित हो गया और मुख्य सड़कें जलमग्न नजर आई। भारी जलभराव के कारण आम जनता एवं वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और तेज हवाओं के साथ 2 दिन से हुई मूसलाधार बारिश से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। धान की फसल तैयार होने के बीच मूसलाधार बारिश होने से किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। देहरादून में शहीदों के सम्मान को लेकर BJP ने शहीद सम्मान यात्रा रथ को रवाना किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भूतपूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। इस सम्मान यात्रा के माध्यम से यह रथ प्रदेश के शहीदों के घर जाकर उनके घर से मिट्टी इकट्ठा करेगी और शहीदों के परिवार को सम्मान किया जाएगा। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड शहीदों की भूमि है और इस वीर भूमि पर सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा 5 जवान हमारे उत्तराखंड के शहीद हुए हैं। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो,
आज़ादी की लड़ाई हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, ताज होटल पर हमला हो, संसद पर हमला हो, और कश्मीर के अंदर आतंकवाद में जो लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है, और शहीदों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी, अगर आपको ध्यान होगा, कारगिल से पहले अगर कोई सैनिक शहीद होता था उसकी डिस आइडेंटिटी बेल्ट और राख कर भेज दी जाती थी और कहा जाता था कि आपका बेटा शहीद हो गया है। और पहली बार जब कारगिल का युद्ध हुआ, देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया, पूरे तिरंगे में उसका पार्थिव शरीर। उत्तराखंड के गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद रुड़की दौरे पर रहे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान गन्ना मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में गन्ने का भाव जल्द ही तय कर लिया जाएगा और उत्तराखंड के गन्ना किसानों को हम यूपी से ज्यादा गन्ने का रेट देंगे, साथ ही किसानों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। वहीं उन्होंने कहा कि जिले की शुगर मिलों को भी दीपावली से पहले शुरू करा दिया जाएगा ताकि समय पर किसान अपना काम कर सके। मैं अपने किसान भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी गन्ना रेट तय कर देंगे और यूपी से ज़्यादा गन्ने का रेट हम उत्तराखंड के किसानों को देंगे। अभी हमारा इकबालपुर मिल तो 24 तारीख को चलाना था हमारे को, लेकिन बारिश के कारण, क्योंकि बारिश लगातार 2-3 दिन बारिश हो गई है, इसलिए गन्ना कटाई नहीं हो सकती, जमीन गिल्ली है, और दीपावली से पहले हम अपने शुगर मिल चलाएंगे। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, मैंने देखा नहीं है, और कोई भी व्यक्ति हो किसी के बारे में आप शब्द नहीं कहने चाहिए, किसी को भी नहीं कहने चाहिए, मेरे संज्ञान में नहीं है कम से कम, है ना। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे नैनीताल से विधायक संजीव आर्य का विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा मंजूर हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा मंजूर किया है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल और संजीव आर्य ने 11 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा की सदस्य पद से त्याग पत्र सौंपा था। दोनों के इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है। वर्ष 2017 के चुनाव में पूर्व कैबिनेट यशपाल आर्य ने बाजपुर सीट और उनके बेटे संजीव आर्य ने नैनीताल विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। यशपाल और संजीव ने भाजपा छोड़कर फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी की है। पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने बीजेपी के 6 विधायकों की घर वापसी का दावा किया है। जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि बीते दिनों राहुल गांधी के नेतृत्व में यशपाल आर्य और उनके बेटे की कांग्रेस में घर वापसी हुई थी। अब 6 बीजेपी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में है, जल्द ही हाईकमान के निर्णय के बाद ये सभी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, आगामी 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने अपना गीत जारी किया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने यह गीत जारी किया है। इस गीत के माध्यम से कर्नल अजय कोठियाल के जीवन को बताया गया है। यह गीत हरिद्वार के जिला अध्यक्ष अमित बिश्नोई ने लिखा है। इस अवसर पर पार्टी के तराई कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम सिंह ने कहा कि पार्टी इस गीत के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाएगी। और जैसे कि आपने मेरे से प्रश्न किया कि इस गाने से आगे पार्टी को क्या फायदा होने वाला है, तो मैं सबसे पहले तो बिश्नोई जी की बड़ी हिम्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने अपने जो मन के उद्गार हैं वो इस गाने के माध्यम से सभी के बीच में भेजने का काम किया है। और ये जो गीत है ये वाकई ही कर्नल साहब की जो गाथा है, मतलब पूरे जिंदगी के समझ लो आर्मी का जो उन्होंने, मतलब आर्मी में जो काम किया है, वो कारगिल युद्ध हो या केदारनाथ का निर्माण कार्य हो। लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कई माध्यमों से गंगा किनारे बसे लोगों के बीच संदेश वायरल किया है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई भी आसपास के क्षेत्रों में ना जाए। लक्सर उप जिलाधिकारी ने लोगों को पूरी तरह अलर्ट रहने का निर्देश दिया है।
खबर लालकुआ से, जहां बरसात के बावजूद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत करते हुए नारों से आवाज बुलंद की। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी जगह जगह तैनात रहा। वहीं जुलूस ए मोहम्मदी में बच्चे, युवा और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं शहर में कई जगह लोगों ने जुलूस में चल रहे लोगों को लंगर बांटे। पिरान कलियर में दरगाह साबिर पाक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने चादर पोशी कर अमन चैन की दुआ मांगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई आसमान छू रही है और पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे गरीब जनता को अपना पालन पोषण करना भारी पड़ रहा है। साबिर पाक का उत्सव मनाया जा रहा है हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। मैं भी कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सलाम करने के लिए, माथा टेकने के लिए पहुंचा हूं और मैंने कामना की है गांधी परिवार की सुरक्षा की, कांग्रेस की मजबूती की, हर युवा को रोजगार की। और जिस तरीके से आज किसान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, किसान के स्वाभिमान को तलवार की दम पर कत्ल करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब उनके सबके साथ न्याय हो, इंसाफ हो, ये मैंने दुआ मांगी। मेरे साथ डॉक्टर नोमान राजा जी हैं, डॉक्टर सैनी जी हैं, जमशेद भाई हैं, हमारे साथी लोग, हम सब लोग आए हैं, मैंने कामना की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।